तो दोस्तों Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोनों स्मार्टफोन चाइना के अंदर लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि दोनों स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं। तो दोस्तों इसी को देखते हुए Vivo भी अपना अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo Z1 X इंडिया में 6 सितंबर को लॉन्च करने वाला है, जो कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोनों स्मार्टफोन को किल करने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में वो सभी फीचर्स देखने को मिलने वाला है जो कि Redmi Note 8 में हमें देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलता है, साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर जो कि Realme 5 Pro और Realme XT में यूज किया गया है, और उसके साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में बहुत ही बेहतरीन बैटरी भी देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन में और कब तक इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिजाइन से। तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है Vivo S1 के जैसा ही डिजाइन, जो कि आने वाला है ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन के बैक साइड में देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 6.38 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला एक वाटर ड्रॉप नॉच, जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ, जो कि Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro दोनों में देखने को नहीं मिलता है। Redmi Note 8 में हमें 13 मेगापिक्सल और Redmi Note 8 Pro में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की कैमरास की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन के बैक साइड में देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ, जिसमें आपको सोनी के IMX582 का सेंसर यूज किया गया है, जो कि Redmi K20 में हमें देखने को मिला था। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की सेकेंडरी कैमरे की, तो आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 5 या 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 4500 mAh की बैटरी, जैसा कि Redmi Note 8 Pro में हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ ही दोस्तों Redmi Note 8 Pro में हमें 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, बट दोस्तों इस स्मार्टफोन में हमें देखने को मिलता है 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जो कि आपके फोन को Redmi Note 8 Pro से भी ज्यादा फास्ट चार्ज कर देगी। वहीं बात करें इस स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला है फ्रंट टच OS के साथ। और बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की रैम वेरिएंट की, तो आपको स्मार्टफोन में दो स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलने वाला है, एक 64GB रैम का और एक 128GB रैम का। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बेस वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो दोस्तों आपको स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट यानी 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलने वाला है 15,000 to 16,000 रुपीज के करीबन, और इसका हायर वेरिएंट आपको देखने को मिल सकता है 18,000 to 19,000 रुपए के करीबन। तो दोस्तों यही था स्मार्टफोन के बारे में स्पेसिफिकेशन, जो कि कंफर्म हो चुका है। और इस स्मार्टफोन की लॉन्च डेट है 6 सितंबर को इंडिया में, तो दोस्तों आप सितंबर के महीने से इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकेंगे। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कंफर्म स्पेसिफिकेशन। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।